देश में चाय के स्टॉलों की अब अपनी कहानी है। ये स्टॉल और इसके पीछे मुस्कुराती हुई लड़की बहुत कुछ कहती है। देवघर के रामा देवी बाजला महिला कॉलेज के सामने लगे टी स्टॉल पर लिखे एक एक शब्द को गौर से पढ़िए। हर लाइन अपने आप में मुकम्मल कहानी है, एक चाय वाली के पोस्ट ग्रेजुएट होने की, उसके जज्बे की और उसके मेहनत की। ग्रेजुएट चाय वाली के बाद अब पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली से मिलिए। मिट्टी के बर्तन में चाय उबालती और लोगों को सर्व करती ये राधा हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना उनकी मजबूरी है, इसलिए उसने ये चाय स्टॉल लगाई है। उनका मकसद इससे भी बड़ा है। राधा अपने इस काम के जरिए ये बताना चाहती हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही पढ़ाई लिखाई कर लेने से काम के चुनाव पर कोई फर्क पड़ना चाहिए। महिला कॉलेज के सामने टी स्टॉल लगाने का फैसला भी इसी मकसद से तय हुआ था। और मुझे मैं एक YouTube पे देख रही थी वीडियोस, ऐसे दिमाग में तो बहुत पहले से ही आ रहा था कि कुछ करना है। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी किया था बट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से मुझे लगा नहीं कुछ करना चाहिए। ऐसे ऐसा नहीं होता है कि पढ़ने लिखने से हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो वहीं से मेरा दिमाग में आया। मैं यहाँ पे ये सोच के खोली थी कि ये एक तो यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज है, ये बाजला महिला कॉलेज, लड़कियाँ भी चाय पीती हैं, तो कहीं उन लोगों कंफर्टेबल नहीं होती दूसरे चाय की दुकान में जाती, वहाँ पे स्मोकिंग का भी रहता है, इसके वजह से उन लोग कंफर्ट नहीं हो पाती है। तो इसलिए भी खोला था और इसलिए भी की ताकि मुझे देखकर मुझसे इंस्पायर हो करके लड़कियाँ भी कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने से हम कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना लिखने का मतलब ये नहीं सिर्फ नौकरी करना, हम कुछ भी कर सकते हैं। देवघर से 5 किलोमीटर दूर कोठिया गांव की रहने वाली राधा यादव पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 5 बहनों और 1 भाई में सबसे बड़ी हैं। पिता किसान हैं, माँ हाउसवाइफ। जिंदगी में कोई बड़ा तूफान नहीं है, लेकिन इतना पढ़ लिख कर राधा खाली नहीं बैठना चाहती थी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना चाहती थी। सो एक मकसद के साथ ये काम शुरू कर दिया। पिता के सम्मान को ठेस न लगे इसलिए उन्हें इस काम के बारे में बताया नहीं, लेकिन भरोसा है कि जब उन्हें इस काम के पीछे उसके मकसद को समझेंगे तो उन्हें अपनी बेटी पर फख्र होगा। तो परिवार का एक मतलब क्या ये सपोर्ट मिलता है आपके इस काम से? अभी पापा को पता नहीं है, बाकी मम्मी लोग तो सपोर्ट कर रही है, मेरी बहन को मुझे सपोर्ट कर रही है कि हाँ ठीक है करो, कोई बात नहीं। पापा को जब ये सरप्राइज मिलेगा तो क्या रिएक्शन होगा? पहले तो उनको रिएक्शन ये होगा कि बेटा तुम क्या कर रही हो, इसके लिए तो तुमको नहीं पढ़ाए थे, मुझे सपोर्ट करेंगे, इतना मुझे यकीन। इस चाय के स्टॉल से राधा को रोजाना 1500 से 1600 तक की कमाई हो जाती है। कॉलेज की लड़कियां और स्थानीय लोग भी राधा के इस जज्बे की सराहना करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली है और ये चाय वाली नहीं के लिए, ये हजारों छात्र छात्राओं के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पोस्ट ग्रेजुएट कर लेने के बाद भी किसी काम को छोटा नहीं समझती है। और इसका उद्देश्य ये था कि जो यहाँ की बाजला महाविद्यालय जो है, महिला महाविद्यालय, यहाँ की जो छात्राएं हैं जो हेजिटेट करती है कि किसी गुमटी में जाके चाय नहीं पीना है, घर में तो चाय पीती है, तो उनके लिए एक संदेश भी था और उनके लिए एक बेहतर विकल्प था कि वो अब जब कॉलेज आती हैं तो उनके लिए भी एक छात्र छात्राएं जो है वो चाय बनाती है। तो ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए कि एक बच्ची जिसने 4-5 साल नौकरी की और उसको अपने पैर पर खड़े रहने के लिए कोई काम छोटा बड़ा ना होता है, ये इंस्पिरेशन देने के लिए ये बेहतर विकल्प तैयार की है और ये काफी सराहनीय है, लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। चाय दियो। देवघर में स्थानीय भाषा में लोग चाय ऐसे ही मांगते हैं। सो इन्होंने लोगों को अपनेपन का एहसास कराने के लिए वहाँ की बोली का उपयोग किया। कुल्हड़ की चाय पिया करो, इससे देश की मिट्टी को चूमने का अवसर मिलेगा। भला कौन इस लाइन से आकर्षित नहीं होगा। राधा के इस जज्बे की हर कोई तारीफ कर रहा है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, बिहार तक।